We have with us the acclaimed Hindustani classical vocalist and author on Indian music and culture, Dr. Subhadra Desai. Performing at home and abroad for more than two decades, Dr. Desai is at present the chair professor of the Department of Hindustani Music at the University of Silicon Andhra, based in California. Today she is accompanied by Chetan Nigam on the harmonium, Gurbej Singh on tabla, Nirav Desai on manjira, while Rekha Pandey and Swati Bhagat are on tanpura and vocal support. Dr. Desai will now perform a rendition of Swagatam, Shubha Swagatam. Spiritually uplifting rendition of Swagatam, Shubha Swagatam.
May I now request Republic Media Network's Chairman and Editor-in-Chief, Arnab Goswami, to please accompany the Honorable Prime Minister up onto the stage. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपका रिपब्लिक नेटवर्क के समिट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने फिर एक बार अपनी दिल की बात रखना चाहता हूं, अनुमति हो तो। प्रधानमंत्री जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि इस रिपब्लिक नेटवर्क का बहुत बड़ा सौभाग्य है, और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हर बार रिपब्लिक समिट में आप मौजूद रहे। ३१५ दिन पहले रिपब्लिक समिट के इसी मंच पर मुझे आपको आप थे, और मुझे आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है प्रधानमंत्री जी, कि इन दिनों हमने एक और न्यूज चैनल लॉन्च किया है, रिपब्लिक कन्नड़, और रिपब्लिक अभी दक्षिण भारत में भी हमारी एंट्री हुई है। प्रधानमंत्री जी, आज हमारे नेटवर्क की रीच 45 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। प्रधानमंत्री जी, दिस मींस दैट रिपब्लिक इज रीचिंग 1 in every 3 इंडियंस, और मैंने सुबह ये कहा था कि मतलब वी कैन स्टिल कैन रीच 2 out of every 3 इंडियंस। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू प्रधानमंत्री जी दैट दिस हैज स्टार्टेड 7 years back, from a very small co-sharing space of 500 square feet in a private mill in Mumbai with me and only 2 or 3 believers in me. और प्रधानमंत्री जी, हर भारतीय के पास हमेशा सपने थे, हर भारतीय परिश्रम करता था, लेकिन आपके आने के बाद ऐसा माहौल, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी मिली जो आपने तैयार की है। एंड आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दिस दैट इट इज बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट दैट यू हैव क्रिएटेड दैट कंपनीज एंड ड्रीम्स लाइक रिपब्लिक कैन कम टू लाइफ एंड बिकम अ रियलिटी। एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू बिकॉज ऑल दैट वी हैड अ ड्रीम, प्रधानमंत्री जी, वॉज अ ड्रीम ऑफ प्रोफेशनल्स who believe they can get the job done. आपके विजन और आपके लीडरशिप ने ऐसा माहौल बनाया इस देश में जिसमें पहला तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है, सेकंड एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट मिली है, और थर्ड एक प्रोटेक्टिव इकोसिस्टम मिली है which keeps भारतीय ड्रीम सिक्योर इन एन एनवायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। प्रधानमंत्री जी, 10 साल में आपने एक बिलीफ सिस्टम बनाई है इस देश में, आपने एक बिलीफ सिस्टम खड़ा किया है जिसमें एक स्टार्टअप, और रिपब्लिक बिल्कुल एक स्टार्टअप है, और ये अमेरिका में नहीं हो सकता है 7 सालों में प्रधानमंत्री जी, इट कैन हैपन ओनली इन इंडिया एंड अंडर योर ओवरऑल विजन। एंड प्रधानमंत्री जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट योर बिलीफ सिस्टम विच मैटर्स टू मी पर्सनली, मैटर्स टू एवरीबडी एट रिपब्लिक एंड एवरीबडी हियर, जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, it is because your belief system is based on high ethics, netikta, which is at the core of it. And I remember that in India people used to say ki people with ethics, people with ideals and idealism can never get far. It is because of your vision and your leadership that ethics are today the baseline of success in this country. Chahe rajneeti ho, chahe corporate culture ho, चाहे मीडिया हो, एथिक्स, नैतिकता के जरिए सफलता की सीढ़ी चढ़ी जा सकती है। दिस इज व्हाट वी हैव पर्सनली बेनिफिटेड फ्रॉम। प्रधानमंत्री जी, आपके विजन से हम प्रेरणा लेते हैं। अभी हमारा लक्ष्य है कि हर साल
एक रीजनल लैंग्वेज में एक चैनल लॉन्च करना चाहते हैं। हमारे पास उतनी पूंजी नहीं है, अगर हो सके तो हम दो लॉन्च करेंगे। एंड आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू दैट दिस गोल ऑफ रिपब्लिक, प्रधानमंत्री जी, इज नॉट बैक्ड बाय एनी फॉरेन मनी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आई विल टेल यू फ्रेंकली, देर इज नॉट 0.00001% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी। आई कैन टेल यू इट इज द प्योरली स्वदेशी कंपनी फ्रॉम द सॉइल ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री, हमारी एसेट सिर्फ हमारा मेहनत है, क्योंकि एट अ पर्सनल लेवल, जैसे परिवार से हम आते हैं, जिस परिवार से मैं आता हूं, माय मदर हु इज इन द ऑडियंस हियर, शी हैज बीन अ स्कूल टीचर, माय फादर वाज एन आर्मी ऑफिसर। हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हम कोई डायनेस्ट नहीं है, और हमने अपने करियर के पहले दशक में अपने सपने को टूटते हुए भी देखा है अलग सिस्टम के अंदर। अभी जो माहौल है, द सेंस ऑफ स्टेबिलिटी दैट यू हैव गिवन हैज चेंज्ड एवरीथिंग। और प्रधानमंत्री जी, आई वांट टू शेयर समथिंग विथ यू व्हिच आई वाज वेटिंग टिल टुडे टू टेल यू। आपने कहा क्या हो रहा है, तो मैं उस समय बोल नहीं पाया, तो मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी, जितना संघर्ष हुआ रिपब्लिक का, जितनी कठिनाई से हम आए, आप सब जानते हैं, मगर सच्चाई के साथ हम बढ़ रहे हैं, मुश्किलें हम पार कर रहे हैं। एंड इट इज दिस कॉन्करिंग ऑफ स्ट्रगल, प्रधानमंत्री जी, फ्रॉम दिस हॉल, 25 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस हॉल, प्रधानमंत्री जी, सिर्फ 25 किलोमीटर दूर, आई एम प्राउड टू शेयर विथ यू प्रधानमंत्री जी, दैट द रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इज बिल्डिंग एंड इज ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग द बिल्डिंग ऑफ द लार्जेस्ट न्यूज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क एंड स्टूडियो इन एशिया। एंड आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग आई एम इंस्पायर्ड बाय यू, बिकॉज यू मे नॉट रिमेंबर प्रधानमंत्री जी, बट 7-8 ईयर्स बैक यू सेड दैट इंडिया नीड्स अ ग्लोबल मीडिया, और आपने कहा था यह सिर्फ सरकार का काम नहीं है, कोई एंटरप्रेन्योर इंडिया से करे, एंड वी हैव टेकन अपॉन द चैलेंज दैट सेंटर। आई होप एंड प्रे दैट वन डे यू विल विजिट आर न्यूज सेंटर। माई ड्रीम इज टू सेट अप विद इन वन ईयर, 1.5 ईयर्स प्रधानमंत्री जी, द फर्स्ट ग्लोबल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द सॉइल ऑफ इंडिया, ऑपरेटिंग फ्रॉम न्यू डेली, फ्रॉम द नेशनल कैपिटल रीजन। फाइनली प्रधानमंत्री जी, द थीम ऑफ द समिट इज भारत द नेक्स्ट डेकेड। लेकिन मैं एक और कदम बढ़कर कहूंगा कि आने वाले दशक जो है वो भारत का है, हर भारतीय के लिए विकसित भारत एक लक्ष्य है। आपने रेड फोर्ट से कहा था, वहां से इट रियली वेंट इन टू आर हार्ट्स, पीपल आर बिलीविंग इट, एंड द बिलीफ मेक्स थिंग्स हैपन। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट टूडे, एवरीबडी बिलीव्स इट। इनफैक्ट आई विल टेल यू प्रधानमंत्री जी, यू हैव सेट अ टारगेट ऑफ 2047, बट आई एम श्योर टूडे यू वर इन कश्मीर, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर कश्मीर विजिट, आई एम श्योर यू बिलीव। I am sure, 2 days back I saw the video of you in Bengal, Pradhanmantri ji. We run one of the big channels, the Republic Bangla. We saw how people were lined up. We saw the people were responding to you. So I believe that in this country, every Indian has absorbed the idea of Viksit Bharat. And our commitment to you is, we will not even believe in 2047, Pradhanmantri ji. If all of us come together, then I believe that we can do it even earlier. Your vision is our vision. Your vision is the vision of 1.4 billion Indians. And what they say about pro-incumbency, I am not a cephalologist. I don't believe in cephalology, Pradhan Mantri ji. But I'll tell you one thing. Pro-incumbency for me, as a citizen of India, is when I see things happen in my lifetime, in our parents' lifetime, in our children's lifetime. We are seeing the changes. It is not a far-off dream. We are seeing what is happening in the next half decade, in the next decade, and it is all because of your hard work and your vision. And therefore, I feel proud to invite you. I feel overwhelmed that you've come for my event. And Pradhan Mantri ji, I invite you to take the stage today and inspire all of us who have been waiting since morning with your vision. With your vision. So that this message goes out to every Indian. I am again very grateful to you that you have come. Thank you, Pradhan Mantri. Thank you. Thank you.
सबको नमस्कार. रिपब्लिक टीम के भी मेरी तरफ से विशेष इस समिट के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं. और मैं मानता हूं कि अर्णब ने जो बताया वो दिन भर जो मंथन चला होगा उसी में से निकला होगा. और मैं आने से पहले पानी इसलिए पिया, इतना सारा मैं पचा पाऊंगा कि नहीं पचा पाऊंगा. कुछ साल पहले जब मैंने कहा था कि ये दशक भारत का है, अब जब हम पॉलिटिकल लोग बोलते हैं तो लोग यही मानते हैं कि ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, राजनेता तो बोलते रहते हैं. लेकिन ये भी सच्चाई है, आज दुनिया ये कह रही है ये दशक भारत का है. और मुझे खुशी है कि आपने एक कदम और आगे बढ़कर अब भारत द नेक्स्ट डेकेड फॉर चर्चा शुरू कर दी है. ये दशक विकसित भारत के सपनों को पूरा करने का एक अहम दशक है. और मैं मानता हूं कि जो भी जिसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, कितने ही अपोजिशन ख्याल रखते हो, लेकिन ये कहने में क्या जाता है कि भाई ये 10 साल काम करने जैसे हैं, उसमें क्या जाता है. लेकिन कुछ लोग इतनी निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं कि उनके लिए न ये सोचना, न ये सुनना और न ही ये बोलना बड़ा मुश्किल हो गया है. कुछ लोग खास हंसी शेयर कर रहे हैं. तो स्वाभाविक है कि मेरी बात सही जगह पे पहुंच गई है. लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे विषयों पर चर्चा भी बहुत आवश्यक है, मंथन भी बहुत आवश्यक है. लेकिन साथियों, जिस दशक में हम अभी हैं, जो दशक अभी गुजर रहा है, मैं समझता हूं वो आजाद भारत का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट डेकेड है. और इसलिए ही लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है. ये दशक एक सक्षम, समर्थ और विकसित भारत बनाने की नींव को मजबूत करने वाला डेकेड है. ये दशक उन आकांक्षाओं को, एस्पिरेशंस को पूरा करने का है जो कभी भारत के लोगों को असंभव लगती थी. एक मेंटल बैरियर तोड़ना बहुत जरूरी है. ये दशक भारत के सपनों को, भारत के सामर्थ्य से पूरा करने का दशक होगा. और मैं ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण रूप बोल रहा हूं, सपने भारत के, सामर्थ्य भी भारत का.
अगला दशक शुरू होने से पहले हम भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनते देखेंगे। अगला दशक शुरू होने से पहले भारतीयों के पास घर, शौचालय, गैस, बिजली, पानी, इंटरनेट, सड़क, हर बुनियादी सुविधाएं उसके पास होगी। ये दशक भारत में वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड ट्रेन, देशव्यापी वाटरवे नेटवर्क, ऐसी अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर की आधुनिकतम चीजों के निर्माण का दशक होगा। इसी दशक में भारत को अपनी पहली बुलेट ट्रेन मिलेगी। इसी दशक में भारत को फुल्ली ऑपरेशनल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स मिलेंगे। इसी दशक में भारत के बड़े शहर या तो मेट्रो या नमो भारत रेल के नेटवर्क से जुड़ चुके होंगे। यानी ये दशक भारत की हाई स्पीड कनेक्टिविटी, हाई स्पीड मोबिलिटी। साथियों, आप भी जानते हैं ये समय वैश्विक अनिश्चितताओं और अस्थिरता का समय है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे अधिक अस्थिर समय अनुभव हो रहा है, उसकी तीव्रता भी और उसका स्प्रेड भी। पूरी दुनिया में कई सरकारों को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच भारत एक सशक्त लोकतंत्र के रूप में विश्वास की किरण बना हुआ है। मैं आशा की किरण नहीं कह रहा हूं, मैं विश्वास की किरण बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। और ये स्थितियां तब है जब हमने देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए हैं। भारत ने ये साबित किया है कि गुड इकोनॉमिक्स के साथ ही गुड पॉलिटिक्स भी हो सकती है। साथियों, आज एक वैश्विक जिज्ञासा, ग्लोबल क्यूरियोसिटी है कि भारत ने ये कैसे किया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमेशा सिक्के के किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने देश की जरूरतें भी पूरी की और सपने भी पूरे किए। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने समृद्धि पर भी ध्यान दिया और सशक्तिकरण पर भी काम किया। जैसे हमने कॉरपोरेट टैक्स में रिकॉर्ड कमी की, लेकिन हमने ये भी सुनिश्चित किया कि पर्सनल इनकम पर भी टैक्स कम से कम हो। आज हम हाईवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे के निर्माण पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हम गरीबों के लिए करोड़ों घर भी बनवा रहे हैं, उन्हें मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन की सुविधा दे रहे हैं। हमने मेक इन इंडिया की पीएलआई स्कीम्स में छूट दी, तो
तो किसानों को बीमा से सुरक्षा और आय बढ़ाने के साधन भी दिए हैं। हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ हमने युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। साथियों, आजादी के बाद के दशकों में भारत का बहुत समय उसे गलत दिशा में ले जाने में गंवा दिया गया। एक ही परिवार पर फोकस की वजह से देश का विकास डिफोकस हो गया। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप ये मानेंगे कि विकसित भारत बनाने के लिए हमने अपने खोए हुए समय को भी रिकवर करना होगा। इसके लिए अभूतपूर्व स्केल और अभूतपूर्व स्पीड पर काम करना होगा। आज आप भारत में हर तरफ यही होता देख रहे होंगे। मैं जब गुजरात में था तो मैं उस समय पब्लिकली चुनौती देता था कि किसी भी दिशा में 25 किलोमीटर जाइए, आपको कोई न कोई डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलता हुआ नजर आएगा। किसी भी दिशा में 25 किलोमीटर कहीं से भी शुरू करो। मैं आज किलोमीटर की भाषा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि आप हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में आप अगर नजर करेंगे, कुछ न कुछ पहले से अच्छा हो रहा है। और आप लोग भले इस पर डिबेट कर रहे हैं कि तीसरे टर्म में बीजेपी को 370 से कितनी ज्यादा सीटें मिलेगी, मैं भी तो आप लोगों के बीच में रहता हूं ना। लेकिन मेरा पूरा ध्यान देश के विकास की स्पीड और स्केल पर को और बढ़ाने पर ही लगा हुआ है। अगर मैं सिर्फ 75 दिन का हिसाब दूं आपको, सिर्फ 75 दिन की बात करो, 75 डेज, तो रिपब्लिक के दर्शक भी हैरान हो जाएंगे, और मैं पक्का मानता हूं हैरान हो जाएंगे। यहां कुछ लोग नहीं होंगे। देश में किस स्पीड पर काम हो रहा है, पिछले 75 डेज में मैंने करीब करीब 9,00,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। ये $110 बिलियन से भी ज्यादा होता है। दुनिया के कितने ही देशों का ये साल भर का खर्च भी नहीं है, और हमने सिर्फ 75 डेज में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर इससे ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है। पिछले 75 दिन में देश में 7 नए एम्स का लोकार्पण हुआ है, 4 मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, 6 नेशनल रिसर्च लैब शुरू हुई है, 3 आईएम, 10 आईआईटी, 5 एनआईटी के परमानेंट कैंपस या उनसे जुड़ी सुविधाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, 3 ट्रिपल आईटी, 2 आईसीआर और 10 सेंट्रल इंस्टीट्यूट का
शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। इन्हीं 75 दिनों में 55 पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन या शिलान्यास हुआ है। काकरा पार परमाणु ऊर्जा प्लांट के 2 नए रिएक्टर राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। कल्पकम में स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग की शुरुआत हुई है और ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी काम है। तेलंगाना में 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का लोकार्पण हुआ है। झारखंड में 1300 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का लोकार्पण हुआ है। यूपी में 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास हुआ है। यूपी में ही 300 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास हुआ है। इसी कालखंड में यूपी में ही अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल पार्क का भी शिलान्यास हुआ है। हिमाचल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। तमिलनाडु में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल को लॉन्च किया गया है। यूपी के मेरठ सिंभावली ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन हुआ है। कर्नाटक के कोप्पल में विंड एनर्जी जोन के ट्रांसमिशन लाइसेंस का उद्घाटन किया गया है। इन्हीं 75 दिनों में भारत के सबसे लंबे केबल आधारित ब्रिज का लोकार्पण हुआ है। लक्षद्वीप तक अंडरसी ऑप्टिकल केबल के काम को लोकार्पण करके पूरा करके लोकार्पण किया गया है। देश के 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम शुरू हुआ है। 33 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। रोड ओवरब्रिज अंडरपास की 1500 से ज्यादा परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है। देश के 4 शहरों में मेट्रो से जुड़ी 7 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। कोलकाता को देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो की सौगात मिली है। पोर्ट डेवलपमेंट की 10,000 करोड़ रुपए की 30 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। पिछले 75 दिनों में ही किसानों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम शुरू हुई है। 18,000 कोऑपरेटिव के कंप्यूटराइजेशन के काम को पूरा कर दिया गया है। किसानों के बैंक खातों में 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर हुए हैं। और रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें मैं शामिल रहा। और ये मैंने सिर्फ शिलान्यास और लोकार्पण की बात की, और भी तो बहुत कुछ किया है, वो मैं नहीं बता रहा हूं। इसके अलावा मेरे सरकार के बाकी मंत्री, बीजेपी एनडीए की दूसरी सरकारों के लिस्ट अगर मैं बोलता जाऊंगा तो मैं नहीं मानता हूं आप सुबह की चाय का इंतजाम किया है कि नहीं किया है। लेकिन मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा कि हमारी सरकार की स्पीड क्या है, कैसे काम कर रही है। आप भी जानते हैं कि इस साल के बजट में, यानी बजट तो अभी अभी गया है, इस साल के बजट में सोलर पावर से जुड़ी एक बड़ी योजना की घोषणा की गई थी। बजट की घोषणा के बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कैबिनेट से मंजूरी देने में, लॉन्च करने में 4 सप्ताह से भी कम का समय गया है। अब तो 1 करोड़ घरों को सूर्य घर बनाने के लिए सर्वे भी शुरू हो गया है। इस योजना के तहत सरकार की तैयारी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने और अतिरिक्त सोलर यूनिट से लोगों को कमाई करवाने की भी है। आज देशवासी हमारी सरकार की स्पीड और स्केल को अपनी आंखों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और इसलिए ही वो कह रहे हैं एक बार फिर एक बार। साथियों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके खिलाफ इतनी नेगेटिव कैंपेन चलाई जाती है, इतने हमले होते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता क्या?
मैं उनको यही बोलता हूं कि अगर मैं इस नेगेटिव कैंपेन पर ध्यान देने लग गया तो फिर मुझे जो काम करने हो रह जाएंगे। मैंने 75 दिन का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा है, लेकिन साथ ही मैं अगले 25 साल का रोड मैप भी लेकर चल रहा हूं और मेरे लिए एक एक सेकंड कीमती है। इस चुनावी माहौल में भी हम अपने कामकाज को लेकर जनता के पास जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ गुस्सा है, गालियां है, निराशा है, इनके पास न मुद्दा है और न कोई समाधान है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पार्टियों ने 7 दशक तक सिर्फ स्लोगन्स पर चुनाव लड़ा। ये लोग गरीबी हटाओ कहते रहे, ये स्लोगन से उनकी सच्चाई है। बीते 10 साल में लोगों ने स्लोगन्स नहीं सॉल्यूशंस देखे हैं। खाद्य सुरक्षा हो या खाद कारखानों को फिर से शुरू करना हो, लोगों को बिजली देनी हो या बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो, लोगों के लिए आवास योजना बनाने से लेकर आर्टिकल 370 को हटाने तक हमारी सरकार ने सारी प्राथमिकताओं को एक साथ लेकर काम किया है। साथियों, रिपब्लिक टीवी का सवालों के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। नेशन वॉन्ट्स टू नो, और ये कहते कहते आप लोग अच्छों अच्छों के पसीने छुड़ा दिए हैं। पहले देश में सवाल होता था कि आज देश कहां है, देश किस हालत में है, लेकिन देखिए बीते 10 वर्षों में ये सवाल कैसे बदल गए हैं। 10 साल पहले लोग बोलते थे हमारी इकोनॉमी का अब क्या होगा, आज लोग पूछते हैं हम कितनी जल्दी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। 10 साल पहले लोग बोलते थे हमारे पास ये विकसित देशों वाली टेक्नोलॉजी कब आएगी, आज लोग विदेशों से आने वालों से पूछते हैं आपके यहां डिजिटल पेमेंट नहीं होता है क्या। 10 साल पहले लोग नौजवानों से कहते थे नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे, आज लोग नौजवानों से पूछते हैं तुम्हारा स्टार्टअप कैसे चल रहा है। 10 साल पहले एनालिस्ट पूछते थे इतनी महंगाई क्यों है, आज यही लोग पूछते हैं पूरी दुनिया के संकट के बाद भी भारत में महंगाई नियंत्रण कैसे है। 10 साल पहले पूछा जाता था विकास क्यों नहीं हो रहा, आज पूछा जाता है आखिर हम इतनी तेजी से विकास कर कैसे रहे हैं। पहले लोग पूछते थे अब कौन सा घोटाला निकला, आज पूछा जाता है अब कौन से घोटालेबाज पर कार्रवाई हुई। पहले मीडिया के साथी पूछते थे कहां है बिग बैंग रिफॉर्म्स, आज पूछा जाता है इलेक्शन टाइम बजट में भी रिफॉर्म्स कैसे आ रहे हैं। 10 साल पहले लोग पूछते थे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 कभी खत्म होगा क्या, आज पूछा जाता है कश्मीर में कितने पर्यटक आए, कश्मीर में कितना निवेश आया।
वैसे मैं आज सुबह ही श्रीनगर में था, अनेकों नई परियोजनाओं का शिलान्यास करके और लोकार्पण करके आया हूं। और आज नजारा ही कुछ और था दोस्तों। 40 साल से मेरा इस धरती उस धरती से नाता रहा है, आज मैंने अलग मिजाज देखा, अलग रूप देखा, सपने देखे, आत्मविश्वास से भरे हुए लोग देखे हैं मैंने। साथियों, दशकों तक सरकारों ने जिन्हें कमजोर मानकर, लायबिलिटी मानकर छोड़ दिया, इन 10 वर्षों में हमने उनकी जिम्मेदारी लेने का काम किया है। इसलिए मैं कहता हूं, जिसका कोई नहीं, मोदी उसके साथ खड़ा है। आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का उदाहरण लीजिए। वर्षों तक इन जिलों को, यहां रहने वाले करोड़ों देशवासियों को पिछड़ा बताकर भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया था। ये पिछड़ा इलाका है। हमारी सरकार ने ना सिर्फ सोच बदली बल्कि अप्रोच भी बदला और साथ साथ उनका भाग्य भी बदला। इसी तरह हमारे बॉर्डर किनारे के जिले और वहां के रहने वालों की भी जिंदगी थी। पहले की सरकारों की नीति थी कि सीमा से सटे इलाकों का विकास ना हो, ऑफिशियल कहते थे विकास ना हो। इस नीति के कारण वहां रहने वाले लोगों को भी परेशानी होती थी, पलायन होता था। हमने वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम शुरू किया जिससे कि लोग सशक्त हो और इलाकों की स्थितियां बदले। दिव्यांगों का उदाहरण देखिए, वर्षों तक इन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वोट बैंक नहीं थे। हमने ना सिर्फ दिव्यांगों को हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी बल्कि लोगों की सोच भी बदली। आप हैरान हो जाएंगे जी, मैं कहूंगा ये ऑडियंस को तो शायद बेचैनी हो जाएगी। हमारे यहां राज्यों में लैंग्वेजेज अपने अपने तरीके से विकसित हुई, विविधता है, गर्व का विषय है। लेकिन हमारे जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जिनको सुनने बोलने की दिक्कत है, उनके लिए साइनेजेज की जरूरत होती है। आप हैरान होंगे, हमारे देश में साइनेजेज भी अलग अलग प्रकार के चलते थे। अब मुझे बताइए कि दिल्ली का आदमी जयपुर जाए और सामने वाला दूसरी साइनेजेज से बात करेगा तो क्या होगा उसका? आजादी के इतने सालों के बाद मैंने उस काम को किया, कमिटी बिठाई और आज पूरे देश में मेरे दिव्यांगजनों के लिए एक ही प्रकार के साइनेजेज पढ़ाए जाते हैं। बात छोटी लगेगी लोगों, लेकिन जब एक संवेदनशील सरकार होती है ना, तब उसकी सोच, उसका अप्रोच जमीन से जुड़ा हुआ होता है, जड़ों से जुड़ा हुआ होता है और जनों से जुड़ा हुआ होता है। और देखिए, दिव्यांगों के प्रति आज समाज का नजरिया बदला है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तक दिव्यांगों के हिसाब से अब बनना, आर्किटेक्चर जो होते हैं वो भी डिजाइन करते समय दिव्यांग के लिए बना करके ले आ रहा है। ऐसे कितने ही स्पेशल ग्रुप और कम्युनिटीज है जिन्हें आजादी के बाद से कोई महत्व नहीं दिया गया। हमने ऐसी घुमंतु जनजातियों के लिए स्पेशल वेलफेयर बोर्ड बनाया। किसी ने भी हमारे लाखों रेड़ी पटरी वाले दुकानदारों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन कोरोना के समय हमारी सरकार ने इनके लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई है। किसी ने भी हमारे उन स्किल्ड कलाकारों की परवाह नहीं की जिन्हें आज हम विश्वकर्मा कहते हैं। हमने ये सुनिश्चित किया कि इस वर्ग को स्किलिंग से फंडिंग तक किसी चीज की दिक्कत ना आए। इस पर केंद्र सरकार अब 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथियों, रिपब्लिक टीवी की टीम जानती है कि हर उपलब्धि के पीछे मेहनत, विजन और संकल्पों की एक लंबी यात्रा होती है, जो अभी अर्नब ने भी थोड़ा बहुत ट्रेलर दिखाया हमको। भारत भी
अपनी इस यात्रा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। अगले डेकेड में भारत जिस ऊंचाई पर होगा वो अभूतपूर्व होगी, अकल्पनीय होगी, और ये भी मोदी की गारंटी है। साथियों, मुझे अच्छा लगा आप भी एक ग्लोबल विजन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे पक्का विश्वास है। लेकिन जो आपने कहा तो मैं विदाउट रॉयल्टी एक दो सुझाव दे दूं, कोई रॉयल्टी की जरूरत नहीं है मुझे। देखिए, आप राज्यों की जो चैनल बनाने के लिए सोच रहे हैं, एक के बाद एक करने जाएंगे तो मिल नहीं बैठेगा सर। मैं मूलतः, मेरा सोचने का तरीका ही अलग है, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप एक डेडिकेटेड ऐसी चैनल बनाइए जिसमें आप टाइम फिक्स कीजिए कि 2 घंटे गुजराती, 2 घंटे बंगाली, 2 घंटे मलयालम, एक ही चैनल होगी। और आज गूगल गुरु आपका ट्रांसलेशन तो कर ही देता है, और मैं एआई की दुनिया में काफी आगे बढ़ा रहा हूं देश को। अब मेरे अपने भाषण 8-9 भाषाओं में तो आप आसानी के साथ सुन सकते हैं। अभी मैं भाषण कर रहा हूं, सभी भाषाओं में बहुत ही विदाउट नो टाइम मिल जाएंगे, तमिल लोगों को मिलेगा, पंजाबियों को मिलेगा। आप भी, उससे क्या होगा, आपकी एक कोर टीम तैयार हो जाएगी, और जो कोर टीम ज्यादा तैयार होती है, जो इकोनॉमिकली वायबल बनता है, फिर आपको 15 दिन के बाद उसको डेडिकेट कर दीजिए। आप एक दिन में 6 राज्यों के चैनल क्यों नहीं चलाते, टाइम फिक्स कर दीजिए। मैं और टेक्नोलॉजी के लिए सब बड़ा बहुत मुश्किल काम नहीं है। दूसरा, जो आप ग्लोबल चैनल बनाना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि हर कोई आपकी चैनल देखे। शुरू में आप एक न्यूज एजेंसी के रूप में सार देशों पर काम कर सकते हैं, ये मालदीव वाले लोगों को मदद हो जाएगी। नसीब मेरा बहुत पुराना दोस्त है, तो मैं उसे कुछ भी कह सकता हूं। लेकिन अगर आप सार देशों में कम से कम, क्योंकि उन लोगों को इंडिया के न्यूज में इंटरेस्ट होता है, सार देशों में उनकी लैंग्वेज एक प्रकार से, फिर बिम्सटेक में चले जाइए धीरे धीरे, मैं समझता हूं। लेकिन ये काम ऐसा नहीं होता साहब कि इस 5 साल में मनरेगा करूंगा, फिर 5 साल तक मनरेगा के ढोल पिटूंगा। देश ऐसे नहीं चलता है जी, देश तेज गति से चलता है, देश को बहुत बड़े काम करने होते हैं। और मैं मानता हूं आपको तो चुनाव लड़ना नहीं है, भी चिंता क्यों कर रहे हो, और मुझे लड़ना है तो भी मैं चिंता नहीं करता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।